इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां अरुषा गांव के ग्राम प्रधान ने कुछ लोगों पर मारपीट व धमकी देने का लगाया आरोप। अरोला थाना क्षेत्र के अरुषा गांव के ग्राम प्रधान के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें गांव के चार लोगों सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट व धमकी देने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान तीरथ का कहना है, जब भी वहाँ गाँव में विकास नाली, खरंजा, इंटरलॉकिंग का कार्य करवाते हैं तो उक्त लोग विकास कार्य में बाधा डालते हैं, अपनी ऊंची पहुंच और धन बल का प्रभाव दिखाते हुए परिणाम भुगतने की धमकी दी है। ग्राम प्रधान तीरथ का आरोप है, वह गांव में खड़ंजे का निर्माण करवा रहे थे कि गांव के कुछ लोग पहुंचकर मारपीट भी की, मेरी दुकान पर मुझे गालियां देते हुए मुझे देख लेने की धमकी दी। तब से मैं और मेरा परिवार बहुत डरा हुआ है। बीते मंगलवार को एक वीडियो भी वायरल है, RCC रोड का निर्माण करवा रहा था, जहाँ कुछ अराजक तत्वों को गांव के बाहर से बुलाकर मारपीट भी की गई। साजिशन मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, जो मेरे द्वारा अहरोला थाने में मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की गई है। आजमगढ़ से संवाददाता संतोष मिश्रा। क्या नाम बताया पूरा आपने? नमवा क्या होता है? कहाँ के ग्राम प्रधान है? और मामला क्या है? क्या मामला? मैं खड़ंजा का कार्य करवा रहा था, समझ लीजिए वहाँ 4-5 लोग उपस्थित होकर मेरे को मारने पीटने लगे। मैं जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर दिए, उसमें एक शेर सिंह, बृजनाथ सिंह और राज नारायण सिंह समझ लीजिए, और एक अर्जुन सिंह, और ये सब 3-4 लोग उपस्थित होकर हमेशा। कब का मामला है? कल का मामला है सर, कल का मामला है जी। और उनके एक रविंदर सिंह जो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके कहते तुम इनको नहीं जानते हो, ये तुमको उड़ा देंगे समझ लीजिए। तुम दुकान पे भी आए थे, ये लोग धमकी दे रहे तो थे। आज तहरीर आपने थाने पे दिया है? जी जी। क्या वहाँ से आश्वासन कुछ मिला है थाने से? जी, जांच करवाएंगे सर। अच्छा। जी, मतलब आप खड़ंजा बनो जब भी काम करवाते हैं तब भी लोग इस तरह से दबंगे करते हैं? हम लोग काम में फैलाता हूँ वहाँ ये लोग अवरोध डालते हैं। प्रधान जी, कल अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें आपके एक वीडियो वायरल में मारपीट का मामला आरोप लग रहा है जी, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें एक संदीप नाम का लड़का जो हमेशा दबंगई दिखाता था हमारे यहाँ आके, समझ लीजिए 10-15 दिन पे, कल भी वो आया था। मैं CC रोड का 2 तारीख को CC रोड का काम करवा रहा था, उसमें आ गया, वो पतही वतही गजवा दिया, वो जो उसकी बच्चिया थी और चनौती से गजवा दिया, और फिर उसको उठाने में नहीं। उस वीडियो में आप थे या नहीं थे? वीडियो में थे हम। अच्छा, उस वीडियो में थे हम। हाँ। समझ लीजिए, तो पता ही इधर उधर सब हटाने में मेरा वो कॉलर पकड़ लिया। अच्छा। 7 दिन का लड़का बाकलपुर का था, संदीप बाकलपुर समझ लीजिए, उसमें एक उसका दामाद भी आया था जो मुखलिसपुर का था, वो भाग निकला था। जैसे वीडियो में आरोप है कि आप वहाँ में मारपीट की, आपके लोगों ने किया है, तो आपके लोग थे उसमें? हाँ थे ना, जब मेरा कॉलर पकड़ के वो खींच लिया तो मैं तो कुछ बोल नहीं पाया, ग्राम प्रधान के नाते इधर उधर जाना पड़ता है, तो गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो अपना ढकेल उकेल दिए उसको। मतलब आपके तमाम और समर्थक आ गए? हाँ, समर्थक थे, गाँव के नहीं थे, सब बाहरी गुंडे। हाँ, वो सब बाहरी थे ना, बाहरी लोग बुलाए गए जी, बाहरी लोग बुलाए गए, तो वहाँ मशीन वगैरह लगी थी ना धानले के लिए, वो लोग भी थे ना, बाहरी लोग।